सोर्सेज ऑफ वाटर, पानी के स्रोत। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पानी के स्रोत, सोर्सेज ऑफ वाटर। तो इसी यूनिट के अंदर पहले हमने स्टडी करी, जो कि तुम्हारी चल भी रही है, क्वांटिटी ऑफ वाटर। और जो दूसरी दूसरा जो टॉपिक है ना इसी का, वो है सोर्सेज ऑफ वाटर। बहुत सिंपल सी यूनिट है, आप लोग सब जानते भी हो कि पानी के स्रोत क्या क्या होते हैं, इसी को हम डिटेल में आज देखने वाले हैं। तो आप लोग सब समझ लेना। तो इसमें अगर मैं बात करूँ सबसे पहले इंट्रोडक्शन की, परिचय की, तो देखो सबसे पहले हम पानी के बारे में बात करते हैं कि जल क्या है। तो आपको भी पता है कि जो जल होता है वो एक तरह से प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज है, और चूंकि हमारी लाइफ इसी से बनी हुई है। अब मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि पानी कितने हिस्से के ऊपर है और ये सब चीजें। तो पहली चीज तो अपना जो मानव शरीर है ना, वो भी 70% हिस्सा पानी से बना होता है। हो सकता है आप लोगों को पहले पता, हो सकता है आज आपको पहली बार पता चला हो, लेकिन हमारे ह्यूमन बॉडी का जो 70% हिस्सा है वो पानी का बना होता है। और इसी प्रकार जो पौधे और जो जानवर है उनमें भी शरीर में लगभग 60 to 80% तक वाटर होता है, ठीक है। तो पानी ऑब्वियस बात है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं अगर बात करूं अर्थ की, तो पृथ्वी के ऊपर 97% है, कितना 97% पानी खा रहा है। ये भी आपको, जो कि जनरली आप लोगों ने 7th 8th 9th में पढ़ लिया होगा इन सब चीजों को। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ 3% वाटर ही हमारे पास फ्रेश वाटर है, जो कि हमारे पीने के लिए उपयुक्त है। अब आप सोच सकते हो कि टोटल वाटर में 97% पानी सॉल्टी वाटर है, सिर्फ 3% वाटर ही है जो मैं हमारे पास फ्रेश वाटर है या ताजा पानी है। उसमें से भी अगर मैं बात करूं तो उसका 2/3 भाग, कितना, 2/3 भाग कहाँ पे जमा हुआ है, जो अपने ग्लेशियर्स हैं, जो ध्रुव है उनके ऊपर जमा हुआ है। तो उस वो भी अपने कोई खास काम आता नहीं है, क्योंकि वो जो ध्रुव है वो भी पिघल के जनरली कहाँ जाते हैं, समुद्र के अंदर ही जाते हैं, और वो खारा हो जाता है। अब आप सोच सकते हो कि टोटल 100% वाटर में 97% खारा है, उसमें भी कितना बचा, 3% बचा, और 3% का भी 2/3। तो आप देख सकते हो सिर्फ 2% वाटर, 2% वाटर भी आपका ग्लेशियर्स में जमा हुआ है, तो आपके पास कितना परसेंट पानी बचा, सिर्फ 1% पानी है, जो कि अब जो अपने पास जो रिमेनिंग वाटर बचा है, कितना रिमेनिंग वाटर कितना बचा है, 1%। तो शेष पिघला मीठा जो पानी है वो जनरली हमारे पास भूजल के रूप में, जिसको हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं, उसके रूप में मिलता है। उसके अलावा उस 1% वाटर का कुछ भाग, बहुत छोटा पार्ट है ना, वो हमारे या तो हवा में है। हवा में कैसे है, कोई बोलेगा सर हवा में कैसे हो सकता है, तो हवा में जल वाष्प के रूप में जो होता है वो है, या फिर जो सरफेस के ऊपर है वो बहुत छोटा भाग है, ठीक है। तो आप इसमें भी देख सकते हो कि जो पृथ्वी की सतह है कितना परसेंट वाटर ऑक्यूपाइड कर रखा है, पृथ्वी की सतह पे 71% वाटर, 70 पृथ्वी का टोटल हिस्सा, उसका 71% है आपके समुद्र में है, ठीक है। और जो 29% जो बाकी जगह बची वहां पे भूमि है। तो आप समझ सकते हो एक ये अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी का कितना परसेंट, 71% पानी से घिरा हुआ क्षेत्र है, और सिर्फ 29% क्षेत्र पर ही पानी है। उसमें से भी जो 71% पानी है उसमें से 97% अपना खारा पानी है, और सिर्फ 3% अपना फ्रेश वाटर है, और 3% में से भी 2/3 वाटर हमारा ग्लेशियर्स में जमा हुआ है। तो बचता कितना है, सिर्फ 1% वाटर बचता है। वो 1% वाटर का भी आपका बहुत बड़ा हिस्सा आपके कहाँ पे है, ग्राउंड वाटर के रूप में, जिसको हम जनरली ट्यूबवेल वगैरह या
वेल्स के थ्रू बाहर निकाल के यूज लेते हैं, और आपका बहुत कम हिस्सा जमीन के ऊपर जो आप लोगों को रिवर्स और इनमें मिलता है, और कुछ हिस्सा हमारे हवा में है। ठीक है, तो ये हमारा पानी की बात हो गई। तो अब आप यहाँ पे कुछ पाई कुछ पाई डायग्राम से आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमारे टोटल, इसमें आप देख रहे हो टोटल अर्थ में 97% अपना वाटर है, 97% सेलाइन वाटर है, और 3% वाटर, 3% वाटर हमारा फ्रेश वाटर है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो इसमें से भी 68.7% कौन से वाटर में से, फ्रेश वाटर में से 68.7% हमारा ग्लेशियर्स के ऊपर है, 30% वाटर हमारा ग्राउंड वाटर में है, और अदर सोर्सेज में 0.9% है। तो अदर सोर्सेज कौन से हो गए हमारे, ग्लेशियर्स छोड़ दूं मैं, ग्राउंड वाटर छोड़ दूं, उसके बाद में कौन कौन सोर्स बचते हैं, जो आपकी नदियां हैं, जो आपके तालाब हैं, वो हमारे सिर्फ 0.9% ही बचते हैं। तो सरफेस वाटर में अगर मैं बात करूं, तो अब यहाँ पे सरफेस वाटर की बात हो रही है, तो सरफेस वाटर में अगर मैं बात करूं तो 87% वाटर हमारे लेक्स के अंदर है, लेक्स मतलब झीलों के अंदर, 2% वाटर हमारा रिवर के अंदर है, और बाकी जो स्वैम्प वगैरह है उसमें 11% वाटर हमारा बसता है। तो ये आप पाई डायग्राम से देख सकते हो। जैसा कि अभी मैंने बताया कि 99% हमारा अनयूजेबल वाटर है, क्यों, क्योंकि ये समुद्र के अंदर है, और सिर्फ 1% वाटर ही है जो हमारे लिए यूजेबल है, जो कि व्यक्ति ये ह्यूमन के लिए जो पीने योग्य है वो सिर्फ 1% वाटर है। ठीक है, तो आप थोड़े पाई डायग्राम से समझ सकते हो। अब इस स्थिति में मैंने आपको एक जनरल बात बताती कि आप देखो कि कितना वाटर हमारे काम का है, टोटल वाटर कितना है, उसमें हमारे काम का कितना है। उसमें से भी अगर मैं बात करूं तो जो आपको ये अर्थ या आपके वर्ल्ड का मैप है ये, और इसमें ना आप थोड़ा इस तरह से समझ सकते हो कि ये जो कलर है इसका कोई डाटा नहीं है हमारे पास। जो ब्लू कलर है वहां पे पानी की अवेलेबिलिटी 10,000 के ग्रेटर देन 10,000 तक है। उसके बाद में अगर मैं इस आसमानी कलर की बात करूं तो इसमें ना जो पानी अच्छी मात्रा में है, इसके बाद में यहाँ पे सफिशियंट मात्रा में है, जहां पे येलो कलर है वहां पे समस्या है, जहां पे जो भगवा कलर है उसका मतलब है कि यहाँ पे कमी है, और जहां पे रेड कलर है उसका मतलब है ये बहुत खतरनाक वाली कमी है पानी की। तो आप देख सकते हो कि पानी की कमी ऑस्ट्रेलिया में, या फिर मैं यूरोप और रशिया की बात करूं, या फिर मैं कनाडा की बात करूं, तो यहाँ पे सफिशियंट मात्रा में पानी है। लेकिन अगर मैं इंडिया की बात करूं, आप देख सकते हो ये इंडिया है, और इंडिया में आप देख सकते हो कि काफी प्रॉब्लम है पानी की। और उसके अलावा आप दक्षिण वो अफ्रीका के कुछ हिस्सों में आप देख सकते हो तो वहां पे पानी की बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, तो आप इस तरह से समझ सकते हो। पानी को सबसे पहले तो आप इसकी इम्पोर्टेंस से समझ के, और ये सोचो कि पानी को सेव करना बहुत जरूरी है। अब मैं ये तो आपको मैंने जनरल नॉलेज दी है, अब मैं बात करता हूँ सोर्सेज ऑफ वाटर की। इसके बाद में अब इसके बाद क्या बोलते हैं इसका जो डिटेल में ना हम आगे स्टडी करेंगे, आज मैं सिर्फ तुम्हें है ना सोर्सेज ऑफ वाटर बताता हूँ। तो सोर्सेज ऑफ वाटर की बात करूं मैं, तो हमारे पास सोर्सेज ऑफ वाटर या पानी के स्रोत, तो हमारे पास दो पानी के स्रोत हैं यहाँ पे, एक सरफेस वाटर या सतही जल जिसको बोलते हैं, और एक ग्राउंड वाटर या भूजल जिसको बोलते हैं। तो अगर मैं सरफेस वाटर की बात करूं तो सबसे पहला आता है हमारा लेक्स, झील जिनको बोलते हैं हम लोग, दूसरा आता है पॉन्ड से जिनको तालाब बोलते हैं, तीसरा आता है स्ट्रीम से जो छोटे मोटे नाले वगैरह होते हैं वो, पांचवा आता है रिवर्स या नदियां,
और लास्ट आता है हमारे स्टोरेज रिजर्वर या भंडारण जलाशय जो डैम वगैरह होते हैं। तो ये सब हमारे सतही वाटर है, सरफेस के वाटर है ये हमारे, ठीक है, जो कि अर्थ की सरफेस के ऊपर है। अब मैं ग्राउंड वाटर या भूजल की बात करूं जो कि जमीन के अंदर है, तो उसमें हमारे पास सोर्सेज आते हैं ओपन वेल्स है, जिससे हम पानी को प्राप्त करते हैं, रिसीव करते हैं। नेक्स्ट है ट्यूब वेल्स जो नलकूप होते हैं हमारे। इसके अलावा ये तुम्हारे लिए नए नाम है जिनको हम डिटेल में स्टडी कर लेंगे, आर्टेशियन वेल्स या आर्टेशियन कुएं, स्प्रिंग्स या जलधाराएं, और इनफिल्ट्रेशन वेल या रिसन कुएं। तो इन तीनों के बारे में अपन बाद में, वैसे तो हम इन सभी स्रोतों की डिटेल में स्टडी करेंगे, ये हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए सिर्फ पानी के स्रोत और इनके जो नेम्स है वो हमने देख लिए, ठीक है। तो अब इसके बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके।